हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रिटिकल एनालिटिकल शिव पर। दोस्तों एक रिक्वेस्ट, हमारा न्यू चैनल है और जर्नी बड़ी टफ है, तो प्लीज सपोर्ट करो और हमें सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं। किलर हीट यह अमेज़न प्राइम पर प्रसारित हो रही है। ग्रीस के एक आइलैंड पर एक क्राइम फैमिली है जिसके मुखिया की मौत कुछ रहस्यमय स्थिति में होती है। उसके मंगेतर को शक है कि किसी परिवार वाले ने हत्या करवाई है, परंतु पुलिस से कोई मदद नहीं मिलती, तो वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाती है। फिर एक के बाद एक और बुरी घटनाएं होती है और जो हत्या हुई उसके कारण में और बड़ा राज खुलता है। अब क्या यह बाहरी जासूस इस हत्या का राज खोलता है और क्या बड़ा रहस्य है, यही इस स्टोरी का मूल सारांश है। बात करें हमारे एक्सपीरियंस की, तो ये फिल्म एक डिसेंट क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है जिस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन लिख का कैरेक्टर आपको इस फिल्म में करता नजर आएगा। उसमें इतनी इंटरेस्टिंग लेयर्स मौजूद हैं कि आपका एक इंटरेस्ट कहानी में स्टार्ट टू एंड बना रहेगा। जो फिल्म की लेंथ है वो भी सिर्फ 1.5 घंटे की है, इसलिए कहानी भी आपको कहीं भी ट्रैक होती हुई फील नहीं होगी। और इसके अलावा जो डिटेक्टिव निक का कैरेक्टर है वो एक स्मार्ट कैरेक्टर है, आपको वो पसंद आएगा और आप उसके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इन्वेस्ट रहेंगे। निक के अलावा बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं उनको बस समझे हमसे इंट्रोड्यूस ही करवाया गया है। कोई खास डिटेलिंग या इमोशनल डेप्थ आपको कैरेक्टर्स में दिखने को नहीं मिलेगी। मुख्य विलन रिचर्ड मेडन की एक्टिंग भी ठीक लगी है, उनका डबल कैरेक्टर है और अलग अलग शेड देखने लायक है। बाकी फिल्म के एंड में आपको कुछ ट्विस्ट जरूर देखने को मिल जाएंगे और वो ट्विस्ट कुछ लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। फिल्म का सिनेमाटोग्राफी और स्क्रीन वर्क अच्छा है। ग्रीस यूरोप के खूबसूरत नज़ारे देखने लायक है। प्रोडक्शन वर्क और सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम वर्क भी अच्छा नजर आता है। स्टोरी में कोई बहुत ज्यादा नई थ्रिल या सस्पेंस नहीं है, किंतु जिस तरह से हत्या का राज और क्राइम फैमिली के राज सामने आते हैं ये देखने लायक होता है। तो यह फिल्म आपके एक्सपीरियंस में कुछ बिल्कुल ही नया ऐड कर देगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने टाइम पास के लिए एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर देखना चाहते हैं तो फिर ये फिल्म आपका एक अच्छा टाइम पास करवा सकती है। आपको शायद लग सकता है कि आप हमारे CID क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया का एक खूबसूरत विदेशी वर्जन देख रहे हो जिसमें कुछ मसाला है, कुछ सस्पेंस है, कुछ क्राइम है और ओवरऑल ठीक ठाक मनोरंजन कर देती है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए टाइम पास के लिए इस फिल्म को देखना चाहे तो देख लें, नहीं भी देखोगे तो कुछ खास मिस नहीं करोगे आप। हमारा यह रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपने यह फिल्म सीरीज को देखा हो तो आपको कैसे लगा, आपके ओपिनियन नीचे कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों अभी का हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़ने का और चैनल को वेरीफाई करने का, जिससे हम और अधिक मनोरंजक वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो क्या आप इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।